देर आर जी मल्टीपल अपकमिंग यंग आर्किटेक्ट्स जिनका बहुत अच्छा काम है, यंगस्टर्स में बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं. मोस्टली आई लाइक द वर्क ऑफ आसिम एंड समीन, दे आर माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स. और देर इज़ अनदर गाय, माई फ्रेंड खिजर फारूक. दे हैव अ वेरी इनोवेटिव काइंड ऑफ थिंकिंग और बड़ी डेप्थ है इनके प्रोसेस और काम के अंदर. They are coming up with a very, very nice architectural project. देखिए ये दोनों चीज़ें जो है ना जी साइमल्टेनियसली साथ साथ हैं. यू कैन नॉट से कि दोनों को हम अलग अलग नहीं रख सकते, बिकॉज फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी उसकी जो है एक्सटर्नल फसाड्स और उसके जो एक्सटर्नल लुक है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है. तो बोथ थिंग्स आर इक्वली बैलेंस लेके चलना चाहिए, इक्वली इंपॉर्टेंट है. और डेफिनेटली फंक्शनैलिटी जो है, जब तक चीज़ें उस तरह से रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स, उनकी सेटिस्फैक्शन, फंक्शनैलिटी फुलफिल करेगा प्रोजेक्ट, वो उतना ही सक्सेसफुल होगा. एज़ फार एज़ उसकी एक्सटर्नल फसाड्स एंड उसकी जो आउटर लुक इज़ कंसर्न, वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है. उसका अच्छा दिखना, उसका एलिगेंट दिखना, उसका खूबसूरत नज़र आना आर्किटेक्चर में इक्वली इंपॉर्टेंट है. बोथ थिंग्स आर साइमल्टेनियसली साथ. डेफिनेटली जी, बिकॉज आर्किटेक्ट्स हैव दैट प्रोफेशनल डिग्री विद देम और दे आर द पीपल जो कि इस क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस से गुजर के आते हैं एंड दे नो हाउ टू डेवलप अ स्पेस और कौन सी स्पेसेस जो है वो एक्टिव हो सकती हैं, किन स्पेसेस को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और उनको फंक्शनल कैसे बनाया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ उनकी ओवरऑल प्लानिंग रिलेशनशिप्स के हवाले से, साथ साथ उसकी एक्सटर्नल आउटर लुक के हवाले से, फिर उसकी मटीरियलिटी के हवाले से. तो दे आर द प्रोफेशनल पीपल. डेफिनेटली आर्किटेक्ट्स जो हैं वो अपने डिज़ाइंस के थ्रू आपकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स और आपकी कंप्लीट जो फंक्शनैलिटी को फुलफ़िल कर सकते हैं.